हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम UPPCL JEE सिविल इंजीनियरिंग के आपके 2013 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी हम कंप्लीट रिवीजन क्लास करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ, यानी ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके, यानी ईंट के क्षय के लिए किसकी अधिकता जिम्मेदार होती है। तो ईंट में अगर मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा होती है तो ईंट का क्षय होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट इज लाइमस्टोन दैट कॉन्टेंस कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू। डोलोमाइट एक चूना पत्थर है जिसमें कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया की मात्रा होती है 45%। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टाजाइट बाई मेटामॉर्फिक एक्शन। पूछा है, निम्न अवसादी चट्टानों में से कौन सी कायांतरित प्रक्रिया द्वारा क्वार्टाजाइट में बदल जाती है। तो आपका जो सैंडस्टोन है वो बदल जाता है क्वार्टाजाइट में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बिंगलिंग स्टोन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म है। तो आपकी जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन की होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल सीज, कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल का क्यूरिंग समय कितना होता है। तो इनका क्यूरिंग समय जो है वो ज़्यादा होता है यानी हाई। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेंड इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मैक्सिमम, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकार वाले रेत का आंतरिक घर्षण कोण का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, एंगुलर ग्रेन डेंस एंड, यानी जो आपका कोड़ी आकार वाले डेंस एंड होते हैं उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का मान जो है सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयव प्रत्यागामी पंप से संबंधित नहीं है। तो आपका जो इंपेलर है वो आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से, एट कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज टू इंक्रीज द हेड हाइड्रोलिक पंप्स आर, यानी कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज पर हेड को बढ़ाने हेतु जलीय पंपों को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन ए सिटी, यानी निम्नलिखित में से क्या एक शहर के प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता को सबसे कम प्रभावित करता है। साइज ऑफ सिटी, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आपके जो ये तीन हैं ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे कम प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड
इन ड्रिंकिंग वाटर इज, पीने के पानी में क्लोराइड का निर्धारण अनुमेय सीमा होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 250 मिलीग्राम लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत के कम होने का कारण होता है। तो इसके कारण जो है त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से, मैट्रिक चेंज आर जनरली अवेलेबल इन, आमतौर पर जो मैट्रिक चेन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का धरातल यानी अगर पृथ्वी की सरफेस इररेगुलर है तो मृदा खुदाई की सही मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो ये ज्ञात की जा सकती है सिम्पसन नियम द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट टेस्ट के लिए 10 सेंटीमीटर के क्यूब का यूज तब होता है जब एग्रीगेट का नॉमिनल साइज किससे ज़्यादा ना हो। तो नॉमिनल साइज जो है वो 20 mm से ज़्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल परमिट्स टू सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड, मृदा का वह गुण जिसके कारण रंध्रों में से पानी रिसता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पारगम्यता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटीज इज डन बाय, बड़े शहरों में सीवेज का निपटान किससे किया जाता है। तो बड़े शहरों में सीवेज का निपटान किया जाता है विलयन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनोरोबिक स्लज डिजेस्टर यानी अवायुवी अपंक पाचक से मुक्त होने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो ये है मीथेन। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग यानी तीव्र जमने वाला सीमेंट किसे जोड़कर बनता है। तो ये बनता है बहुत महीन पाउडर के रूप में और कम मात्रा में जिप्सम मिलाकर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सीवरल कंटूर्स कोइंसाइड इट इंडिकेट कई समोच्च का अनुरूप होना किसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक खड़ी चट्टान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ ए मैप, एक नक्शे की सीमा के अंदर कंटूर इंटरवल कैसा होना चाहिए। तो इसे जो है मस्ट बी केप्ट कॉन्स्टेंट, इसे स्थिर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट यानी पानी सीमेंट के अनुपात बढ़ाने पर सीमेंट पेस्ट की जो शक्ति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो हम किसकी मात्रा निकालते हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें रेनफोर्स बार की मात्रा निकालते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट यानी किसी मटेरियल को डक्टाइल कहा जाता है अगर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज यानी उसका प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज जो है लंबा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक स्ट्रेन इज जनरली
टाइम्स द इलास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन का लगभग कितने गुना होता है? तो ये होता है 10 से 15 गुना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीयर एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लेब इज यूजुअली, यानी सिंपली सपोर्टेड स्लेब की शीयर और बॉन्ड स्ट्रेस सामान्यता कैसी होती है? ये होती है वेरी लो, यानी बहुत कम। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जलबद्ध मैकाडम यानी WBM यदि दैनिक यातायात भार यानी डेली ट्रैफिक लोड इससे ज़्यादा ना हो, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, किससे ज़्यादा ना हो, 2000 टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए रोड के ऊपर ड्राइवर की आंख का लेवल कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज, आपकी जो सुसंथित लकड़ी होती है उसमें नमी की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 10 से लेकर 12% तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टील रूफ ट्रस में रिवेट की मात्रा ट्रस के कुल भार के कितने प्रतिशत होती है? तो कैची के कुल भार की होती है 5%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आर यूज्ड फॉर पाइप्स लेड इन रिवर्स विद अनइवन बेन, यानी अनियमित सतह वाली नदियों में वाले पाइप डाले जाते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कोगलेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, व्यापक रूप से सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन से स्कंदन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ज़्यादातर यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स हैज ए पार्सल फ्लूम, निम्न में से कौन सा सीवेज उपचार इकाई पार्सल फ्लूम है? तो ये है आपका ग्रीक चैम्बर। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे से है, नंबर ऑफ अर्थमेटिकल चेक्स इन राइज एंड फॉल मेथड इज, राइज एंड फॉल मेथड में अंक संबंधी चेक की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस टेक्योमेट्री मेथड इज एडॉप्टेड व्हेन द ग्राउंड इज, यानी सब्सटेंस टेक्योमेट्री विधि को कब अपनाया जाता है? जब आपका एरिया उतार चढ़ाव वाला हो। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, यानी थियोडोलाइट हेतु प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न त्रिज्या वाले कर्व जो किसी सर्कुलर कर्व और सरल रेखा के बीच में लगे हों वो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्च थिएटर पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर प्लेस वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग इट्स डिजायर, यानी चर्च थिएटर सभा भवन तथा अन्य स्थानों पर छत में ध्वनि रोधक के रूप में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो यूज करते हैं कार्क फ्लोरिंग का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट इज द ट्रेप यूज फॉर ए वोटर क्लोज्ड कार्ड, यानी वो ट्रेप जो पानी के बंद सिरे पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पी ट्रेप, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए डेटरी टेस्ट टैंक इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव, यानी सीवेज के प्राथमिक उपचार में एक मलबे का टैंक दिया जाता है जिसमें किसे हटाया जा सके, तो उसमें ग्रिट को हटाया जा सके, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोर्स ग्रेवल्स स्पेसिफिक रिटेंशन इज, आपकी जो कोर्स ग्रेवल होती है पूछा है उसमें स्पेसिफिक रिटेंशन कैसा होता है, तो ये होता है लेस यानी कम, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टू पॉइंट प्रॉब्लम एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, द्विबिंदु समस्या और त्रिबिंदु समस्या जो है किसकी विधियां हैं? तो ये विधियां हैं ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन की, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिप एट द इक्वेटर इज, भूमध्य रेखा पर डिप का मान कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर डिप का मान जो होता है वो होता है जीरो, अगर बात की जाए पोल की तो होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेनिंग टेप विच इज रेनफोर्स्ड विद कॉपर और ब्रास वायर्स इज टेनलेज, वे सन या सूत के फीते जो कॉपर या ब्रास से मिलकर बने होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मेटलिक टेप के नाम से, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल बंड्स ऑफ थिन आर्क डैम, यानी सिर्फ छोटे मेढ़ अथवा पतले आर्च बांध के लिए उपयुक्त हैं, तो आपके जो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हैं वो यूज है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एयरली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, यानी जो आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसमें प्रारंभिक मजबूती की प्राप्त की मुख्य वजह क्या होती है? तो ये जो है बहुत ही इसकी महीन पिसाई की जाती है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए गुड मेलेबियल मटेरियल पोसेज, एक अच्छे आघात वर्ध पदार्थ में क्या होता है? तो इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है वो हाई डिग्री की होती है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपका जो पिटवा लोहा होता है यानी ब्रोट आयरन, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए आर सी सी कॉलम इज सेड टू बी सोल्ड इफ लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज, एक आर सी सी कॉलम को सोल्ड कहा जाता है जब उसकी लंबाई से व्यास का अनुपात कितना होता है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, लेस देन 15 यानी 15 से कम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, यानी दिए गए ऑप्शन में से सरफेस टेंशन की कौन सी सही डायमेंशन है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजोमीटर इज सुटेबल फॉर फ्लड रिलेटेड मेजरमेंट विच आर, पीजोमीटर द्रव पदार्थ उन मापन हेतु उपयुक्त है जो कैसे हों, स्मॉल एंड पॉजिटिव, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्रोफाइल ऑफ ए फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो इज, कृत्रिम भंवर बहाव की सरफेस प्रोफाइल कैसी होगी? तो ये होगी पैराबोलिक, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
द मेजर लॉस ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इन पाइप फ्लो अकर इन लॉन्ग पाइप ड्यू टू लंबे पाइप में पाइप फ्लो में जली ऊर्जा का मुख्य हानि किसके कारण होती है? तो ये होती है फ्रिक्शन के कारण। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज? डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो डिस्चार्ज का मेजर करने के लिए यूज करते हैं वेंचुरी मीटर का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ? हाइड्रोलिक कपलिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एनर्जी ट्रांसफर मशीन से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपेलर हेज विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से एक फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपेलर में क्या होता है? तो इसमें होता है बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम? यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सी विधि लंबी तथा सक्रिय पाइप व्यवस्था हेतु सबसे अच्छी रहती है? तो सबसे अच्छी रहती है हार्डी क्रॉस मेथड। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू हाई रेट फिल्टर स्टैंडर्ड रेट रिक्वायर्स लैंड एरिया? यानी जो आपका उच्च दर फिल्टर होता है उसकी कंपेयर में स्टैंडर्ड को ज़मीनी एरिया की आवश्यकता कैसी होती है? तो इसे आवश्यकता होती है अधिक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे से है, द एरर विच इज नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज? वो एरर जिसे रेसिप्रोकल लेवलिंग में पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है वो क्या है? तो वो है रिफ्लेक्शन के कारण आई एरर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन सर्वेयर कंपास द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड टू द? सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो किससे अटैच रहती है? तो ये अटैच रहती है बॉक्स से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गुनिया यानी ऑप्टिकल स्क्वायर में दो सादे शीशों को किस एंगल पर लगाया जाता है? तो दो सादे शीशे होते हैं उन्हें लगाया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पुट्टी मेड अप ऑफ? यानी पुट्टी किससे बनती है? तो पुट्टी बनती है चॉक पाउडर और रॉ लिंसिड ऑयल से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरेबल ग्रेटर देन इट्स विड्थ? किस प्रकार की नींव में लंबाई विचारणीय रूप से उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है? तो ज़्यादा होती है आपके स्ट्रिप फाउंडेशन में।